कोरोना काल में जहां देश के हर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वहीं ओखला स्थित CTL लॉजिस्टिक दिल्ली ब्रांच के डायरेक्टर आलोक वर्धन के द्वारा 19 कंसेंट्रेटर सेवा भारती को दिए गए। आपको बता दें कि सेवा भारती की तरफ से यहां पर सुबोध जी और संजय शर्मा जी पहुंचे। वहीं नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा और पूर्व निगम पार्षद शैलेंद्र सिंह मोंटी इसको लेने के लिए पहुंचे। तस्वीरें में आपको ओखला के दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि CTL लॉजिस्टिक दिल्ली ब्रांच की तरफ से ओखला में सेवा भारती को ये 19 कंसेंट्रेटर दिए गए हैं, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सकेगी। जहां एक तरफ कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री, हर कोई कार्य कर रहा है, वहीं इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी और सेवा भारती भी लगातार कार्य कर रही है और उन्हीं की हौसला अफजाई और लोगों तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी सामने आ रही हैं। और इसी क्रम में आज CTL लॉजिस्टिक दिल्ली ब्रांच के द्वारा ये 19 कंसेंट्रेटर दिए गए हैं सेवा भारती को, जिससे कि अलग अलग जगहों पर लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा, जिससे कि लोगों को अब सुविधा मिलेगी इस कोरोना काल में अपनी स्वास्थ्य को लेकर। ये CTL कंपनी ने हमको आज 19 कंसेंट्रेटर हमको प्रोवाइड किए हैं। ये दिल्ली के अंदर सेवा भारती संस्था ने 18 जगह आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, जिसमें 450 बेड की व्यवस्था हमने की है। इन कंसंट्रेटर्स को हम दिल्ली के यहाँ छतरपुर नगर के अंदर, यहाँ सुल्तानपुर एक जगह है बहरौली में, वहाँ पर सरोजनी नगर में NDMC का एक बारात घर है, वहाँ पर हमने आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं। इन 19 कंसंट्रेटर जिनकी वैल्यू लगभग 11 लाख कि वो है, जो CTL कंपनी ने हमको प्रोवाइड किया है, वहाँ पर इनका हम प्रयोग करेंगे। हम CTL कंपनी का इस कोरोना के पेंडेमिक में जो उन्होंने हमको ये प्रोवाइड किया है, हम बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं कि वो इसी प्रकार अपना सहयोग जहाँ जहाँ समाज को आवश्यकता है वहाँ पर उनको प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि आज के समय में जो ये पेंडेमिक है वहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, वो सुविधा सेवा भारती प्रोवाइड कर रही है। और आप CTL जैसे एक जो डोनेट कर रहे हैं ऐसे सज्जन और ऐसी कंपनी, उनका हमको सहयोग मिल रहा है। आपका हम आगे भी आपके सहयोग की एक कामना करते हैं और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आलोक प्रथम शर्मा। आलोक जी, आज आपने 19 कंसंट्रेटर का दान किया है, कौन सी संस्था को किया, कितने मूल के कंसंट्रेटर? ये हमने सेवा भारती को दान किया है और हमें लगता है कि सेवा भारती के माध्यम से हम उन गरीब लोगों तक इस कंसंट्रेटर को पहुंचा पाएंगे। हमारे पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन हमें लगता है जिस लेवल पे सेवा भारती काम कर रहा है, जो उनकी रीच है निर्धन लोगों तक, जिनको ये वाकई में जरूरत है, वो वहां तक ये पहुंच पाएंगे। कितने कंसंट्रेटर और क्या अमाउंट है? हमने करीब 19 कंसंट्रेटर का दान किया है, करीब 11 लाख रुपए है इनका प्राइस, और आगे भी अगर कहीं कोई जरूरत पड़ेगी तो हम सेवा भारती के साथ निरंतर अपना संपर्क बनाए हुए हैं। अगर उनको कोई जरूरत होगी तो हमें 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 अप्रोच कर सकते हैं और हम लोग काफ़ी अपने तन मन से उसको उनको हेल्प करना चाहते हैं। ये कौन सी कंपनी है? ये चाइना की कंपनी है। अलग अलग इसमें कंसंट्रेटर अलग अलग कंपनीज के हैं, क्योंकि आज कंसंट्रेटर्स को भी प्रोक्योर करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है चाइना में भी। डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं इंटरनेशनली, तो ये बड़ी ही मुश्किल से हम लोग इसको हासिल कर पाए हैं। बहुत ही हमारे को मेहनत करनी पड़ी है। हमारी सोच तो काफ़ी और ज़्यादा करने की थी, लेकिन वो हम लोग अवेलेबल नहीं हुए थे, इसलिए हम लोग को इतने में ही हमारा काम चल पाया है। मिलेगा और तो हम वो भी लेके आएंगे।